नहीं होती है, लगता है महफिल चलती रहे, पर चलना ही पड़ता है, समय पर भी पाबंदी रहती है। हम सब लोग हैं तो हमारे नए अध्यक्ष महोदय साहब से, जैसा कि माथुर साहब ने बताया कि वो अपने आप में विभूति हैं, और हम तो ये जो चुनाव हुए ये सब उससे पहले से ही सभी से है ना आपकी तारीफ, आपके जो अंदर जो कर्मठता है, आपके जो एक्सपीरियंस है उसको सुनते आ रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी रचना से हमें आनंदित करें। आंसू नहीं आने चाहिए। और सभी सरस्वती के पुजारी, और मैं उन सभी सरस्वती के पुजारियों का पुजारी हूँ, इसलिए आपके बीच में खड़ा हूँ। जैसा कि अभी बताया गया कि पूर्व में भी आप मुझे सम्मान दिया, ये जो द्रौपदी है उसके जितने भी सदस्य में समझते हैं सरस्वती की असीम कृपा है और बनी रहे, इसी में आशा करता हूँ हमारी संस्था सदैव आगे से आगे बढ़ती रहे, क्योंकि उदयपुर का नाम शौर्य के प्रति है, धर्म के प्रति है, और संतों की भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, योगियों की भूमि रही है, और सरस्वती का ये पूरा का पूरा किला ही उदयपुर है, जहाँ सरस्वती सबसे पहले विश्वविद्यालय यहाँ उदयपुर विश्वविद्यालय बना, और यहाँ पर इतनी शैक्षणिक संस्थाएं बनी हैं, और यहाँ पर क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र था, कृषि की यहाँ पर कम इमेज थी, तो हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री के मोहल्ला उन्होंने यहाँ पर शिक्षा का विकास, शिक्षा की नगरी ही बनाने का प्रयास किया, और आज भी उदयपुर इस ओर बढ़ रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, विद्यापीठ के हिंदी विभाग, और जो स्वतंत्र रूप से चल रही साहित्यिक संस्थाएँ, सरस्वती की वंदन करते हुए हमेशा आगे से आगे अपना काम तेजी से बढ़ रही है, और उदयपुर का हमारा एक नाम है, साहित्य अकादमी यहाँ पर है, मधुमति यहाँ से प्रकाशित होती है। अभी अभी कुछ समय पूर्व एक और पत्रिका उदयपुर से निकल रही है, अक्षय लोक में, उसके चौबे जी संपादक हैं, तो संपादक मंडल में मुझे भी रखा है उन्होंने, और मैं प्रयास करूँगा कि अपनी संस्था में जो रचनाएँ पढ़ी जाती है तो प्रतिनिधि रचनाएँ उसके अंदर छपे, मैं चौबे जी से बात करूँगा। अभी पुष्कर गुप्तेश्वर जी के कुछ दोहे उसमें प्रकाशित होते हो रहे हैं, और एकाध कवि के कुछ और रचनाएँ उसमें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कॉलम उनको मैं बताऊँगा कि उसमें एक साहित्यिक कॉलम रखें, और क्योंकि हमारी संस्था में जो अभी भी जो रचनाएँ पड़ेगी वे अधिकतर सामाजिक सरोकार व्यक्ति हैं, और वो समाज तक उन रचनाओं का संदेश पहुँचना चाहिए, केवल यहाँ पढ़कर के पाँच सात लोग हम सुनकर घर चले जाएँ ऐसा ना हो, समाज तक अपनी कविताओं का संदेश पहुँचे कि हमारे जो सरस्वती के पुजारी हैं वो क्या कहना चाहते हैं समाज को, समाज को क्या देना चाहते हैं, समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं, हम क्या विकास कर सकते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये कि आप अपनी रचना को लिखित प्रति रखें, और आप अगर मुझे देंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि वो समाज तक उसको पहुँचाने का पूरा प्रयास रहेगा। मधुमती के निदेशक जी से भी बात करेंगे कि जो रचनाएँ पढ़ी जाती हैं उनको मधुमती में भी स्थान मिले, और ताकि एक ये जानकारी रहे कि उदयपुर में भी एक ऐसी संस्था चल रही है जो अच्छी रचनाएँ करिए, उनका प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए, मधुमती के अंदर अच्छे से रचनाएँ अच्छी रचनाएँ हमारा प्रतिनिधित्व है, संस्था का भी नाम है, हमारे सदस्यों की संख्या में।
हमारे सामने आए और सबका बड़े बड़े अच्छी रचनाएँ हुआ पढ़ी आपने अच्छी पढ़ी आप सब ने अच्छी रचनाएँ पुस्तक उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने मुझे फिर से अध्यक्ष पद पर फिर से सम्मानित किया है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रयास करूँगा कि संस्था के लिए कुछ कर पाऊँ उसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। हम सभी आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, हम दिनों दिन रातों रात दिन रात उन्नति करते रहेंगे। अब मैं सागरमल साहब से निवेदन करूँगा कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। आज हमारा संगठन हो गया है, इस गोष्ठी की सदस्यता की फीस के लिए 200 रुपया प्रतिवर्ष रखा है। सदस्य के बंधु निवेदन है मेरा, करबंद वार्षिक शुल्क 200 रुपया प्रति सदस्य रखा है। और ये भी निवेदन है कि हमारा प्रयास है कि हर महीने की दूसरे संडों की भी हमारी गोष्ठी हो, अगर सभी का सहयोग हो तो महीने की दो गोष्ठी, महीने का दूसरा संडे और चौथा संडे, ये कहीं तो महीने की दो गोष्ठी तो एक में अंतराल बहुत पड़ जाता है महीने का, और वो बात है कि खत्म ही रहती है। जहाँ इसलिए चाह रहे सभी का दूसरा संडे और चौथा संडे ये सभी का मानस हो, ठीक है। ये मैंने नोट कर लिया मैंने, ठीक है। एक प्रस्ताव पास हुआ ये हर महीने के दूसरे संडे और चौथा संडे। आपका अध्यक्ष में तो आपका आदेश, अरे करेंगी बात आपके आदेश करना हाँ, ताकि एक पर प्रस्ताव पास हुआ।